दोस्तों मेरा इजिप्ट का वीज़ा आ चुका है, जस्ट परसों मेरा इजिप्ट का वीज़ा आया है। एंड इजिप्ट वीज़ा कैसे आपको मिल सकता है, कितना डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना पैसा लगता है, एंड कहाँ पर ये एम्बेसी, इजिप्ट का एम्बेसी, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइज, अगर आप इजिप्ट का प्लान कर रहे हो, इजिप्ट में जाना चाह रहे हो, दिस वीडियो अबाउट द वीज़ा प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करेगा टू गेट द इजिप्ट वीज़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एक बात जान लीजिए, इजिप्ट वीज़ा इट इज़ नॉट दैट ईजी टू गेट एज लाइक थाईलैंड एंड मलेशिया, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज। बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया जो पहले मेरे जो सीरीज था, वहाँ पर बहुत ईजी, कुछ घंटों, एक दो दिन में मेरा वीज़ा आ चुका था। डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा नहीं लगता, इट इज़ वेरी नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स। बट इजिप्ट के लिए माई गॉड, डॉक्यूमेंट्स बहुत लगता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट। तो आपको सभी प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन करोगे तब भी आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज नॉट। सो मैं एक एक करके मैं बोल देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किया था फॉर दिस वीज़ा। और वन मोर इन्फॉर्मेशन, इजिप्ट का जो एम्बेसी है पूरा इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पे है, दैट इज़ इन दिल्ली। इट इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम गाइज, बिकॉज अब हर लोग तो दिल्ली में नहीं रहता, दिल्ली के बाहर भी लोग हैं। आप सभी को दिल्ली में ही अप्लाई करना पड़ेगा फिजिकली। अगर फिजिकली आप ना नहीं जा सकते, आपको किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ के आपको इजिप्ट वीज़ा निकालना पड़ेगा। सो आई गॉट दिस इजिप्ट वीज़ा फ्रॉम अ ट्रैवल एजेंट। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझको देना पड़ा, कितना खर्चा पड़ा, लेट मी टेल यू वन आफ्टर वन। सो गाइस, इजिप्ट वीज़ा के लिए जो पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑफकोर्स योर पासपोर्ट, मिनिमम वैलिडिटी फॉर 6 months वैलिडिटी आपको चाहिए। तो नंबर टू आपको चाहिए एप्लीकेशन, जो वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मिल जाता है इजिप्ट कायरो, अब इजिप्ट का जो एम्बेसी का वेबसाइट में जाओगे वहाँ पर फॉर्म मिल जाता है, डाउनलोड करके उसको प्रॉपरली फिल करना है। तीसरा चीज़ आपको चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका फोटोग्राफ, बट यहाँ पर चाहिए 80% फेस ऑफ योर फोटोग्राफ विद द मैट फिनिश। ये भाई दिमाग में रख लीजिए, अगर नॉर्मल किसी स्टूडियो में जाओगे, स्टूडियो वाला बेसिकली जो पासपोर्ट साइज फोटो देता है, पहले तो 80% फेस नहीं होता है, और तीसरा वहाँ पर ग्लॉसी पेपर यूज़ होता है, बट आपको ये दोनों ही नहीं चाहिए, आपको चाहिए 80% ऑफ फोटो, मीन्स आपका जो फोटो में 80% फेस होना चाहिए, 80% आपका फेस रहना चाहिए, और जो पेज होगा जिसमें प्रिंट आउट निकालेगा फोटो का, दैट वुड बी अ मैट फिनिश फोटो, मैट फिनिश पेज, इट इज नॉट द ग्लॉसी पेज। जब भी आप जाओगे ये वीजा के लिए फोटो खिंचाने के लिए, बोल देना मैट फिनिश ही चाहिए, थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है, बट वही फोटो आपको चाहिए। यू नीड टू गिव 2 पासपोर्ट साइज फोटो विद द मैट फिनिश। थर्ड आपको चाहिए कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर मतलब आप बाई हैंड और टाइप करके आप एक एप्लीकेशन दे रहे हो एम्बेसी को, जो अगर आप इजिप्ट में घूमने जाना चाहते हो, एक एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा, एक कवरिंग लेटर। एंड नेक्स्ट चाहिए आपका होटल कन्फर्मेशन। इजिप्ट में आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, कायरो, लक्सोर, अलेक्जेंड्रिया, किस किस शहर में आप जा रहे हो, पूरा होटल का डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट चाहिए आपका टूर प्लान। टूर प्लान का मतलब, सपोज मान लीजिए मेरा 10 दिन का प्लान है, मैं 10 दिन, 1 से 10 दिन तक मैं क्या क्या हर दिन करूंगा, ये पूरा डिटेल्स चाहिए। सपोज मान लीजिए पहला दिन मैं जा रहा हूँ गीज़ा पिरामिड देखने के लिए, दूसरा दिन जा रहा हूँ कोई म्यूजियम देखने के लिए, तीसरा दिन जा रहा हूँ मैं वहाँ से कोई दूसरे जगह देखने के लिए, फिर चौथा दिन मैं बस पकड़ के, बस से और फ्लाइट से और ट्रेन से मैं जा रहा हूँ लक्सोर, लक्सोर में कहाँ पर रह रहा हूँ, वहाँ पर मैं कौन सा जगह जाऊँगा, कौन सा दिन वो जगह जाऊँगा, ये इंटायर डिटेल्स आपको लिख के देना है। सो गाइज, अगर इजिप्ट का वीज़ा आप बना रहे हो, सो यू इट शुड बी अ प्री प्लान टूर मेकनिज्म। वो लोग एक पूरा प्लेन व्हाइट पेज में टाइप्ड करके आपको देना, जमा करना पड़ता है। ये अगर होटल ट्रेवल एजेंसी से कर रहे हो, वो लोग ही तो करवा देगा आपको इन्फॉर्मेशन लेकर, अगर खुद कर रहे हो आपको पूरा लिख कर देना पड़ेगा दैट आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, कौन सा दिन आपको कैसे प्लान कर रहे हो, दैट इज़ वेरी क्वाइट डिफिकल्ट। मुझे तो ऐसा ही लगा, बिकॉज ऐसे कोई 10 दिन वहाँ पर जाकर हम लोग क्या करेंगे, ये तो प्री डिसाइड ऐसे ही नहीं होता है, एक हम लोग सोच के जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, अकॉर्डिंग टाइम कुछ चेंज भी हो सकता है। बट अगर आप वहाँ पर जाकर कुछ चेंज करोगे तो इट इज़ नॉट द मैटर, वीज़ा वंस यू विल गेट, वहाँ पर जाकर आप प्लान चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट चाहिए, अगर कोई बच्चा जा रहा है उसका आईडी प्रूफ चाहिए, रिटर्न कन्फर्मेशन टिकट चाहिए हर बंदे का, मीन्स अगर आप 2 ग्रुप में जा रहे हो, 4 जन जा रहे हो, 1 भी जा रहे हो, आपको जाने का फ्लाइट और रिटर्न फ्लाइट दोनों फ्लाइट का टिकट आपका जमा करना पड़ेगा। और यू नीड टू गिव योर ऑक्यूपेशन प्रूफ। ऑक्यूपेशन प्रूफ का मतलब, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब का आपका पे स्लिप चाहिए, आपका सैलरी स्टेटमेंट चाहिए, और आपका क्या चाहिए, आपका आईडी प्रूफ दे सकते हो, आपका बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, ऑफिस का जो लेटर हेड, ऑफिस का लेटर हेड में आपको एक
ऑफिस से कोई एचआर डिपार्टमेंट बा हायर अथॉरिटी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को लिख कर देना पड़ेगा जब आप छुट्टी में जा रहे हो। ऑफिस वालों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दैट इज द एनओसी लेटर, ऑफिस का जो लेटर है उसमें लिख कर ही आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप ऑफिशियल पर्सन नहीं हो, बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस देना पड़ेगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स वो देना पड़ेगा, आपका आपका 3 साल का फाइल आपको देना पड़ेगा, और आपको एंटायर लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी आपको ऐड करना पड़ेगा, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और लास्ट स्टेटमेंट मिनिमम आपका 1 लाख रुपए दिखाना पड़ेगा। या पर कहीं कहीं 60,000 भी देखते हैं, कभी कभी 1 लाख भी देखते हैं, तो मेरा तो दिखाया गया 1 लाख ही था बैंक में, वो बैंक स्टेटमेंट दिखा देता है आपका बैंक बैलेंस मिनिमम 1 लाख रुपए होना ही चाहिए। So guys, these are the all information about the documents that is required for the Egypt visa. और Egypt visa का खर्चा आता है almost 1900 rupees, 1900 rupees खर्चा पड़ता है अगर आप डेली जाकर कर रहे हो। अगर आप दूसरे जगह पर रहते हो, सपोज आप मुंबई में रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, पटना में रह रहे हो, यूपी में, गाजियाबाद में रह रहे हो, कहीं भी साउथ में कहीं रहते हो, अगर आप थ्रू ट्रेवल कर रहे हो और पर एक्स्ट्रा चार्ज डबल से भी ज़्यादा पड़ सकता है, बिकॉज एक तो उसको जो बाई पोस्ट लाने जाने का खर्चा, उसके ट्रैवल एजेंसी खुद का प्रोसेसिंग फीस जरूर रखेगा। सो मेरा पड़ा 3500 लगा, बट एक्चुअल कॉस्ट है 1900, बट 3500 मेरा लगा क्योंकि मैं थ्रू ट्रैवल एजेंट किया, बिकॉज मेरा पॉसिबल नहीं था दिल्ली में जाकर 5-6 दिन 4 दिन रुक कर वीज़ा प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट करके वीज़ा लेकर आना। इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। अगर आपका पॉसिबल हो, आप जा सकते हो, कर सकते हो, आपको तो फिर आपको सिर्फ 1900 देना पड़ेगा। अगर आप किसी बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक तो आपको बाई पोस्ट का पासपोर्ट भेज रहे हो, डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो, वो आप बेसिकली स्पीड पोस्ट में और कैसे भी भेजो उसका एक अलग सा पैसा रखते हो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए जो ट्रैवल एजेंट का कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहे हो वो लोग एक प्रोसेसिंग फीस ले ही लेता है। दोस्तों ये था पूरा इजिप्ट वीज़ा का पूरा इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना खर्चा पड़ता है, कैसे अप्लाई करोगे। होप सो दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू आउट आपको इजिप्ट वीज़ा पाने के लिए। अगर इजिप्ट का प्लान कर रहे हो तो ऑफकोर्स वीज़ा के लिए तैयार हो जाइए। और मेरा अभी दूसरा भी इजिप्ट का पूरा ट्रैवल सीरीज आ रहा है, अगर जाने से पहले ट्रैवल का भी मजा लेना चाहते हो, क्या क्या घूमोगे, क्या क्या देखोगे, वो वीडियो भी जरूर देखना। इंतजार कीजिए, कुछ दिन के अंदर ही वीडियो आ जाएगा, और जो ये वीडियो बाद में देखेगा अभी भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है, यू कैन वॉच इट ऑल दिस वीडियोज ओवर हियर। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। सो दोस्तों अभी चलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।